फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी सी और बहुत अलग रेसिपी, और ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। यहाँ मैंने चिकन लिया है, ये मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है और मैंने इसके बड़े बड़े पीस लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। और ये मैंने 4-5 चिकन के पीस लिए हैं, अब मैं इसमें कट लगा लूँगी। अब मैंने इन सारे पीसों पर अच्छी तरह से कट लगा लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरह से मैंने इन पे सभी पे कट लगा लिया है। सब पीस तरह से आपको कट लगाना है, और आप कट लगाएंगे तो आपको ये 4 कट या 3 कट ये अच्छी तरह लगाने हैं इसमें हर पीस में। मैंने पैन ले लिया है, हम इसमें अपने चिकन के पीसीस डालेंगे। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ इसमें पीस डालूंगी ना। मैंने इसको लो फ्लेम कर देंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, ये मैंने 1/2 चम्मच करीबन नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। 1 चम्मच इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अगर आपकी चम्मच छोटी है तो आप 1.5 चम्मच डाल सकते हैं, और अगर बड़ी है तो 1 बड़ा चम्मच। अब हम इसे नमक के साथ और पानी के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। याद रहे कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी बहुत थोड़ा डलेगा। मैं आपको पानी की क्वांटिटी बता चुकी हूँ। अब इसको मैंने एक तरफ से पलट दिया है, अब मैं इसको ढक दूंगी। अब लो फ्लेम पर इसको ढककर हमें इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद मैं 5 मिनट बाद मिलती हूँ आपसे। इधर अब 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ पकते पकते। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा गल गया है, इसको ज़्यादा नहीं गलाना है। इसे मैंने पानी में और पेस्ट में नमक में इसलिए आपको बनाकर दिखाया है क्योंकि इससे ये अंदर तक पक जाएगा और जूसी हो जाएगा। अब गैस कर देंगे बंद और अपने इन पीसों को हम निकाल लेंगे विदाउट पानी, विदाउट वाटर के इसको बाहर निकाल लेंगे इस तरह एक बाउल में। खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, अदरक की और लहसुन की मिलकर बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी तो इनकम्प्लीट है और जब बन जाएगा तो माशाल्लाह देखिए कैसे लगेगा। ये हमने निकाल लिया है, अब मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देती हूँ। अब मैंने गैस ऑन कर दिया, मैं इस पे तवा रख दूंगी। अब मैं इस पे तवे पे ऑलिव ऑयल डाल दूंगी। ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनाया है, सिर्फ नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत इजी और टेस्टी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब ये सारे पीसेस मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह। अब बस 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी है। अब आप इसको चटनी के साथ खाएं, किसी के भी साथ सर्व करें। अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, चटपटा चाट मसाला। आपको जिस तरह पसंद है उस तरह खाएं, चटनी के साथ खाएं। और ये मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से, ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। एक पीस देखिए, ये वाला कट करके देखिए किस तरह से एकदम क्रंची और अंदर से पका है। देखिए एकदम अंदर तक गल गया है ये, और इसमें अच्छी तरह से हमारा पेस्ट और नमक भी अंदर तक बैठ गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से आप खाएं और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको